हेलो फ्रेंड्स, दंतेश्वर रसोई रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल की खस्ता कचौरी। इसके लिए हमने एक पिंच हींग, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट, एक कटोरी मूंग दाल को 2 घंटे पानी में भिगोकर मिक्सर में दरदरी पीस कर लिए, 2-4 चम्मच बेसन, तेल, नमक और मैदा। कचौरियाँ बनाने के लिए हम सबसे पहले आटा लगाकर तैयार करेंगे। आटे में हम थोड़ा नमक डालेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसमें तेल ऐड करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम नरम आटा बांधकर तैयार कर लेंगे। आटे को ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम फिलिंग बनाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे, जिसमें थोड़ा तेल ऐड करेंगे। तेल गर्म हो जाए उसके बाद हींग, जीरा, सौंफ, और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर अच्छी तरह भून लेंगे। मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन को भी हमें इसी तरह अच्छी तरह से भून लेना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और लगातार चलाते हुए बेसन को भी अच्छी तरह भून लेंगे। अब हम इसमें पीसी हुई दाल डालकर अच्छी तरह से हिलाते हुए थोड़ी देर पकाएंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। धनिया पाउडर,
लाल मिर्च पाउडर, हमें दाल को लगातार चलाते रहना है। हमारा बेसन और दाल अच्छी तरह से भून कर तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला, डालकर अच्छी तरह से हिलाकर मिक्स कर लेंगे। हमारी फिलिंग बनकर रेडी है। अब हम इसे एक थाली में निकाल कर थोड़ा ठंडा कर लेंगे। हमारी फिलिंग ठंडी हो चुकी है। अब हम इससे गोल गोल लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हैं। हमारा आटा लगभग सेट हो चुका है। अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से मसल कर छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। सारे आटे से हमें इसी तरह लोइयां बनाकर तैयार कर लिए। अब हम कचौरी बनाने के लिए एक लोई को चकले पर रखकर बेलन की सहायता से पूरी की तरह बेल लेंगे। अब हम इसे अपने हाथ पर लेकर फीलिंग रखकर चारों तरफ से उठाकर अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। एक्स्ट्रा आटे को हमें निकाल देना है और हल्के हाथों से दबाकर कचौरी का आकार देंगे। इसे चकले पर रखकर हल्के हाथों से थोड़ा बेल लेंगे। कचौरी अपने हिसाब से छोटी या बड़ी बना सकते हैं। कचौरी को हम बिना चकले या बेलन के हाथ से भी बना सकते हैं। इसके लिए एक लोई को हाथ से फैलाकर अच्छी तरह पूरी का आकार दे देंगे। अब हम इसमें फिलिंग भरकर चारों तरफ से अच्छी तरह से बंद कर लेंगे।
उसी तरह हम एक्स्ट्रा आटे को निकाल लेंगे और हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और धीरे धीरे उंगलियों की सहायता से कचौरी का आकार दे देंगे। ये हमारी कचौरी बनकर तैयार है। इसी तरह हम सारी कचौरियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। कचौरियाँ तलने के लिए हमने एक कढ़ाई में तेल लेना है और इसे हल्का गर्म करना है। तेल हमारा हल्का गर्म हो गया है, हम गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं। थोड़ा आटे का टुकड़ा डालकर चेक कर लेंगे। कचौरियाँ तलने के लिए हमें इसी तरह का हल्का गरम तेल चाहिए। अब हम इसमें एक एक करके कचौरी डालेंगे। कचौरियों को हमें हल्के गरम तेल में ही तलना है। हमारी कचौरियाँ तलकर ऊपर आ गई है, अब हम इसे पलट देंगे। अब हम गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर लेंगे और कचौरियों को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह तलेंगे। हमारी कचौरियाँ अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इन्हें निकाल कर एक थाली में रख लेंगे। इसी तरह हम सारी कचौरियाँ तलकर तैयार कर लेंगे।